कर्नाटक के मंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर गरजे। पीएम मोदी ने कहा, इस बार का चुनाव कौन सांसद बने, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन मंत्री बने, ये सिर्फ सरकार चुनने का चुनाव नहीं है बल्कि 21वीं सदी का नया भारत कैसा होगा ये तय करने का है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों के आशीर्वाद और समर्थन से ही वो देश हित में कड़े और मजबूत फैसले लेने में सक्षम हो सके। पीएम ने कहा, ये मोदी है जो केवल मक्खन पर ही नहीं बल्कि पत्थर पर भी लकीर खींचता है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में पीएम मोदी ने की रैली, जनसभा को किया संबोधित। कहा, मैं वाराणसी से सांसद हूं जो रामनाथपुर में आस्था और आध्यात्मिकता के बंधन से जुड़ा है। यहां आना एक महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद दिलाता है। पीएम मोदी ने कहा, जो भारत की रक्षा नहीं कर सकते वो कभी राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते। जब कांग्रेस और उनके सहयोगी सत्ता में थे आतंकवादी लगातार हमला कर रहे थे। साथ ही पीएम ने कहा, हमारी सरकार तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए संसद में एक विधेयक लाई लेकिन कांग्रेस डीएमके और मुस्लिम लोगों ने इसका विरोध किया। राहुल गांधी 17 अप्रैल को वायनाड में चुनाव प्रचार करेंगे। वायनाड में राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के प्रचार का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत के पास डिफेंस क्षेत्र में निर्यातक बनाने की क्षमता है। उन्होंने दावा किया, कई देश भारत से संबंध स्थापित कर रक्षा उत्पादों को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपसे अपील करती हूं कि सीपीएम और कांग्रेस को वोट ना करें। मैं कांग्रेस में थी, फिर मैंने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया जिसके बाद राज्य ने विकास देखा। कांग्रेस अब भी आपसे गठबंधन को तैयार। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीसी चाकू ने कहा, रविवार तक टिकटों की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस अब भी आपसे गठबंधन को तैयार लेकिन बात केवल दिल्ली में गठबंधन को लेकर हुई। लोकसभा चुनावों के बीच बिहार में वार पलटवार का खेल जारी। राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार प्रशांत किशोर पर दिया विवादित बयान, बिना नाम लिए दोनों को बताया नाली का कीड़ा। जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर और राबड़ी देवी की आपसी अनबन की दस्तक अब ट्विटर पर। प्रशांत किशोर ने कहा, सरकारी पदों का दुरुपयोग करने वाले और फंडों में धांधली करने के दोषी ठहराए जा चुके लोग सच के रक्षक बन रहे हैं। मेनका गांधी पर खुलेआम मुसलमानों को धमकाकर वोट मांगने का आरोप। इस मामले में मेनका गांधी को नोटिस। बता दें, मेनका गांधी ने मुस्लिम इलाके में मुसलमानों को एक नुक्कड़ सभा में दी थी धमकी। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि अपने आईटी सेल पर भड़की मेनका गांधी। मुस्लिमों पर दिए गए बयान की खबरें चलने के बाद भड़की मेनका गांधी। कहा, हमारे आईटी सेल को केयर करने की जरूरत है। मेनका गांधी के बयान पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दी प्रतिक्रिया। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, मैं कहता हूं कि मुसलमानों को इस देश में मुनासिब हक मिलना चाहिए, उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, तब मुझे भड़काऊ भाईजान कहा जाता है। सुल्तानपुर में मेनका गांधी को मुस्लिम समुदाय ने दिखाया ठेंगा। मेनका की सभा में खाली पड़ी रही कुर्सियां चंद मिनटों में खत्म करनी पड़ी मेनका गांधी को अपनी सभा। मेनका गांधी की सभा में नहीं पहुंचे मुस्लिम। मेनका गांधी की टिप्पणी से नाराज है मुस्लिम समुदाय। मेनका ने कहा था, मुझे मुस्लिम वोटरों की जरूरत नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जलियांवाला बाग स्मारक का किया दौरा। उपराष्ट्रपति ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी किया जारी। पीएम मोदी पर बनी वेब सीरीज का मामला पहुंचा ईसी। पीएम नरेंद्र मोदी पर वेब सीरीज का मामला पहुंचा चुनाव आयोग के पास। चुनाव आयोग से वेब सीरीज को लेकर कांग्रेस ने की शिकायत। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जलियांवाला बाग के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, जलियांवाला बाग कांड अंग्रेजों की क्रूरतम घटना। स्वाधीनता के यज्ञ में शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी। भारत के वीर पुत्रों को भावभीनी श्रद्धांजलि। बदायूं में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने साझा रैली को किया संबोधित। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष अजीत सिंह भी मंच पर दिखाई दिए।
बदायूं में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी पर किया कड़ा हमला। मायावती ने कहा बीजेपी ने जनता को ठगा, बीजेपी जा रही है, गठबंधन आ रहा है। मायावती ने कहा हमारे अली भी हैं और बजरंगबली भी हैं, हमें बजरंगबली इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी जाति है, ये खोज खुद योगी ने किया है, मैं योगी की आभारी हूँ। यूपी के देवबंद में धार्मिक आधार पर वोट करने की अपील के मामले में चुनाव आयोग के नोटिस पर मायावती ने दिया जवाब। सूत्रों के मुताबिक मायावती ने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी। मायावती ने अपने जवाब में कहा कि उन्होंने सभी बिरादरी से वोट डालने की अपील की थी। बता दें देवबंद में महागठबंधन की रैली के दौरान मायावती ने कहा अगर बीजेपी को हराना है तो मुस्लिम बिरादरी के सभी मतदाता अपना वोट महागठबंधन के कैंडिडेट को दें। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, ट्वीट कर बांदा की घटना पर जताया दुख। कहा बीजेपी ने कर्मचारियों को आत्महत्या करने को किया मजबूर, बीजेपी ने मेहनती कर्मचारियों के साथ धोखा किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का मिशन यूपी, 15 अप्रैल को प्रियंका गांधी का फतेहपुर सीकरी दौरा। फतेहपुर सीकरी से प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर लड़ रहे हैं चुनाव, राज बब्बर के पक्ष में प्रियंका गांधी करेंगे चुनावी सभा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कासगंज दौरा, 15 अप्रैल को अखिलेश यादव की कासगंज में चुनावी जनसभा, महागठबंधन प्रत्याशी देवेंद्र सिंह के समर्थन में होगी जनसभा। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी जया प्रदा ने मोहल्ला डिग्री कॉलेज में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शेर पढ़ा और जनता को ये बताने की कोशिश की कि वो आम जनता की ही है। आगरा में गुड्डू पंडित को भाषा की मर्यादा नहीं है, गुड्डू पंडित ने सीएम योगी और पीएम मोदी को दी गालियां, जनसंपर्क के दौरान जनता के सामने ही जमकर दी गालियां। पीएम और सीएम को गालियां देते हुए गुड्डू पंडित का वीडियो हुआ वायरल। फतेहपुर सीकरी से गठबंधन के प्रत्याशी हैं गुड्डू पंडित, इससे पहले राजा अरिदमन सिंह को भी दे चुके हैं गालियां। लखनऊ में 18 साल की युवती हुई लापता, 7 तारीख से लापता युवती का पुलिस को अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। पीड़ित परिवार युवती की तलाश के लिए पुलिस से लगातार लगा रहा है गुहार। रायबरेली में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेतों में लगी आग, सैकड़ों बीघा गेहूं के खेत जलकर हुए राख। लगभग 4 गांव के खेत आग की चपेट में आए, डी थाना क्षेत्र के आठवा की घटना, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बागपत में बिजली घर पर पहुंचकर ग्रामीणों ने जेई और एक्शन को बनाया बंधक। विद्युत सप्लाई बदलने के विरोध में ग्रामीणों ने किया धरना, दूसरे केंद्र से जोड़ने से नाराज है ग्रामीण। रायबरेली में स्थित गदागंज के धुता प्राथमिक विद्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में अध्यापक ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मौके पर ग्रामीणों के साथ ही गदागंज थाने की पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन शिक्षक अपनी बात पर अड़ा रहा। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।